हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कांच की जो सिलाई है वो बताने जा रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको वापस से फिर से नहीं बताऊँगी, सिर्फ कुछ इजी स्टेप में डिज़ाइन ही बताऊँगी। आप सबसे पहले मजगी को उसी तरह लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे से प्रेस करेंगे और फिर इसको इस तरह बिल्कुल धागे के पास, जो दूसरा धागा मजगी जोड़ने के लिए जो पहले लगाया था गुना जोड़ने के लिए, उसके पास पास लेते जाएंगे, लगाना है। ये जो मचकी है ये स्लीव्स पर लगा रही हूँ, जो बाहें मैंने तैयार की है कांचली के लिए उन पर लगा रही हूँ। मैं सबसे पहले उन पर मचकी लगा करके अलग रख लेना है। अब मैं एक पर लगा चुकी हूँ और दूसरे पर लगा रही हूँ। इस तरह से हम लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स पर भी जो मचकी है वो हम लगा लेंगे। आप देखते जाइए, हमको इस तरह से इसको लगा लेना है। ये हमें एंड तक लगानी है, सो मैं लगा रही हूँ। नीचे से गुने को प्रेस करते रहेगा जिससे वो बड़ा नहीं आएगा, बराबर साइज में आएगा, वरना क्या है वो उसमें हवा से भर जाती है और फूल कर गुना बड़ा आ जाता है। तो इस तरह से हो चुका है। अब हम इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से हमें इस तरह से इसको फोल्डिंग करनी है। जो ये वाइट धागा दिख रहा है इससे आगे आप सिलाई मत लीजिएगा, वरना कूना पूरा दिखना बंद हो जाएगा बाहर से। तो फोल्डिंग ले तो उस धागे से जो आगे से मचकी लगाई उसका जो धागा उससे साइड में फोल्डिंग कीजिएगा। फोल्डिंग होने के बाद हमें इनके ऊपर जो सिलाई करते हैं एक बार वो ले लेनी है। इस तरह से ले लेंगे हम, दोनों ही स्लीव्स पर लेंगे। इस तरह हम दोनों को कर चुके हैं। अब हम यहाँ से इन दोनों को अलग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग करके मचकी लगा सकती हैं, मैंने साथ में लगाई। अब हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। ये जो गुना दिख रहा है वो सीधे साइड से हम इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों साइड से उल्टा रहेगा। अब हम इसके थोड़े से भाग को इस तरह ट्रायंगल में रखेंगे। अगर आप थोड़े हेल्दी है तो यहाँ से थोड़ा बड़ा भाग ले लीजिएगा, बट ये मैं अपने लिए कर रही हूँ तो इतना ही लूँगी। अब हमें इसको इस तरह से रखना है, आराम से जमाना है। दोनों को ऊपर से भी बराबर रखिएगा और हम इनको यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, अब जो ये दो भाग निकले हैं ये हम इनको इस तरह सीधा कर लेंगे वापस। अब उसको उस तरह करेंगे और क्योंकि ये भाग पहले से उल्टे हैं तो हमको इनको इस तरह सीधे के ऊपर उल्टा रख लेना है और इस तरह से जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है हमें उस तरह इसको रखना है। 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा आप देख रहे हो, तो उस तरह से हमको इसको रख लेना है और जो सबसे तिरछा भाग है वो इस तरह से सामने आएगा। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। अब दूसरा क्योंकि ऐसे है तो हम इसको भी इस तरह रखेंगे, सॉरी इसको इस तरह रखेंगे उसकी जैसे ही। ये भी उस तरह 90 डिग्री के कोण पर आएगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको भी यहाँ से सिल लेंगे। ये मैं कांच लेके स्लीव्स बना रही हूँ। ये हो चुका है। मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले एक बार बता चुकी हूँ लेकिन किसी ने कमेंट किया कि वो पार्ट्स इधर बता रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इससे हम दोनों को जोड़ेंगे और इस तरह की दिखेंगी। दोनों के जो ये भाग है वो इस तरह से आएंगे, आप देख सकते हैं, इस तरह से ही आप करना है। अब हम इनको समेट कर अलग रख देंगे। अब हमें जो इनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम गले की शेप में से जो डिज़ाइन निकालते हैं को तिरछा उस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से ये है। अब हमें इसको इस तरह से ही इस साइड से तिरछा का तिरछा जोड़ लेना है, इस पर सिलाई ले लेनी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। ये हो गया है, डबल बार सिलाई ले लीजिएगा। अब हम इनके दोनों साइडों में गुना लगाएंगे। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो गुना पट्टी को थोड़ा चौड़ा ही लें जिससे कि आपको बाद में गुना निकालने में आसानी रहेगी। अब हम इस तरह इस पे गुना लगा लेंगे। ये हो चुका है, दूसरी साइड में भी इसी तरह लगाना है।
इस तरह रखेंगे और इसको भी वापस उसी तरह गुणा लगा लेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ कुर्ती और कांचली पे कैसे डिज़ाइन करते हैं, अलग पैटर्न में सिलते हैं, वो बताने जाने वाली हूँ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये सिर्फ सिंपल कुर्ती कांचली बता रही हूँ मैं आपको। कुर्ती मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और ये कांचली बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, जो ये टुकी है इन पर भी हमें गुना लगाना है। आप गुने को गोलाई में ही लेने की कोशिश करिएगा। हमें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेना और एक फिंगर जितना वो जो एक्स्ट्रा है वो कपड़ा मैं इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि मुझे बाद में वो फोल्डिंग करने में काम आ सके। तो मैं ज़रा इसको गोल गोल शेप देते हुए यहाँ पे गुना लगा दूँगी। आप धीरे धीरे ही करिएगा, अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे ही करना चाहिए हमें। आप चाहे एक एक पार्ट को एक घंटे में क्यों ना जोड़ें, बट बहुत स्लोली करिएगा ताकि हाथ की सफाई होती है वो, फिर उसके बाद सिलाई हम अपन आराम से कर पाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने दोनों पर लगा दिया है कि ये हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लूँगी और इन दोनों को अलग कर लूँगी। ये दोनों जुड़ चुके हैं, अब ये इसके ऊपर इस तरह जुड़ेंगे। अब इनके जो साइड वाले छोटे पीस होते हैं उन पर गुणा नहीं लगता है, वो ऐसे ही रहते हैं। और आप चाहें तो भले कांचली के किसी पार्ट पे गुणा ना लगाएं, अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है, वैसे भी अंदर कुर्ती के नीचे रहता है तो नहीं दिखता है। अब जो ये छोटे खड़पे हैं उन पे गुणा नहीं लगता, और जो बड़े वाले साइज़ के खड़पे होते हैं उन पे गुणा लगता है। तो मैं उन पे लगा रही हूँ, एक पे लगा दिया और अब दूसरे पे लगा रही हूँ। इस तरह हम बड़े खड़पों पे गुणा लगा लेंगे। और इनको भी अलग कर लेंगे। अब हमें इन सारे पार्ट्स को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो छोटा खड़पा है इसको लेंगे, और जो ये बाढ़ इसका नाम होता है जो बीच में सेंटर पॉइंट में रहता है, इसका जो गुना लगा है इसको हम इस तरह से उल्टा करके थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से बिल्कुल जो पहला ये जो धागा है जहाँ मैंने गुना लगाया उसके बिल्कुल पास पास में लीजिएगा, ज़्यादा भी दूर नहीं। ये जो मशीन के दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, दो नक्के दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इतनी दूरी बना के रखिएगा जिससे कि गुना बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह देखिए एकदम बराबर सा आ गया, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई है, बाकी किसी वीडियो में नहीं दिखाई होगी। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई ले लेंगे। इस वीडियो में मैंने हर चीज़ बारीकी से दिखाई है, मतलब कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो में मैंने शायद आपको दोनों पार्ट्स जोड़ना नहीं बताया, सिर्फ एक जोड़ना बताया और बाकी इस तरह बताया है, लेकिन इसमें मैंने आप दोनों पार्ट्स सब एक एक चीज़ जोड़ना बताई है। तो आप इसको आराम से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको दूसरे पार्ट को भी इसी तरह जोड़ लेंगे। हम इस तरह इसको भी जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से फोल्डिंग करेंगे पीछे की साइड से। तो हम पहले फोल्डिंग कर लेते हैं। इस तरह ये फोल्डिंग हो चुकी है। अब हमें इसे भी सीधा करके इसके ऊपर जो एक सिलाई लेते हैं जिसे हम आराम से, ये खुलने का नहीं रहता और इसका शेप भी अच्छा आता है, ये सिलाई ऊपर लेना कहें तो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये शेप आ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक टुकी लगेगी, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके जो इस तरह से गुना है इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे तीनों तरफ से, मतलब ये गोलाई में है तो इसका गुना निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो पहले पूरा प्रेस कर लें, फिर इसको इस तरह से इसके जो सेंटर पॉइंट है उसके कॉर्नर पर रखें इस तरह से, और फिर इसको भी उसी तरह से गुना निकाल लें। बिल्कुल धागे से ज़्यादा दूर भी मत लीजिएगा और ज़्यादा पास में भी मत लीजिएगा, वो जो बीच की नक्के की जितनी जगह बची है उस हिसाब से लेते जाइए, बराबर सा धागा आएगा। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करते हुए गुना निकालते जाएंगे, क्योंकि ये गोलाई शेप में है तो आपको शायद दिक्कत हो इसको गुना निकालने में, बट आप एक दो बार करेंगे तो हो ही जाएगा। ये इस तरह से पूरी टुकी जुड़ जाएगी, देख लीजिए आप। अब हमें क्या करना है, दूसरी टुकी को भी इसी तरह जोड़ना है। तो हम उसको भी इसके
जो लास्ट जो शुरुआती पॉइंट है वहाँ पर हम इसको रखेंगे उसके कॉर्नर पे, और इसको भी इसी तरह से प्रेस करते हुए पूरी सिलाई ले लेंगे जिससे कि गुना निकल जाएगा। इस तरह से हम ले लेंगे। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती आप में से किसने मेरा कल का जो वीडियो देखा है, मैंने अपना छोटा सा सेलिब्रेशन किया था 2K सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से, आप सबने बहुत हेल्प की है। अब ये दोनों इस तरह से हो गए और पूरा जुड़ने के बाद ये पार्ट इस तरह से हो जाता है। अब हम इनको जो टुक्की का जो हमने अब एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था फोल्डिंग के लिए, उससे हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह से हमको इसको फोल्ड कर लेना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये पार्ट जो काँचली का पार्ट होता है, ये शायद सबसे हार्ड होता है, इसको समझने में टाइम भी लगता है, बट आई होप आप समझ जाएं मेरी वीडियो से। अब हम इनको फोल्डिंग करने के बाद हमें दूसरी बार जो है उसको भी फोल्डिंग कर लेना है। ये हो चुका, इस तरह से ये बराबर आ जाएंगे। अब जो बड़े वाले खड़पे हैं बीच में, तो जो बाहर जुड़ता है सेंटर पॉइंट, वो उसके साइड में छोटे खड़पे और ऊपर टुक्की जुड़ती है। अब जो बड़ा खड़पा है और जो टुक्की है, टुक्की तक आधी तक जुड़ेगा वो बड़ा खड़पा, छोटे खड़पे और टुक्की से वो बड़ा वाला खड़पा जुड़ जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको छोटे वाले खड़पे से लेकर शुरू करना है और टुक्की के आधे हिस्से तक इन बड़े खड़पों को जोड़ लेना है। अब गुना निकालने का तो वही प्रोसेस है, आप देख लीजिए। फिर भी ये जो आपको वाइट धागा दिख रहा है ना, इस धागे के बिल्कुल आपको सेंटर में, मतलब जो बीच में जो आपको जगह दिख रही है मशीन के दो नक्के, उसके बराबर ले लीजिए। इस तरह से हमको इसको सिल लेना है। ये देखिए, टुक्की के आधे हिस्से तक ये बड़ा वाला खड़पा आ चुका है। अब हमें इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ये हो चुका है। अब इसके ऊपर जो एक सिलाई लेते हैं, वो सिलाई भी ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो पहले सारे पार्ट्स को जोड़ ले, फिर सबकी एक साथ में फोल्डिंग और फिर सबको एक साथ में ऊपर से सिलाई ले ले, लेकिन मैं, मेरे को आसान यही लगता है कि मैं एक एक पार्ट्स को जोड़ते जाऊँ और वहीं का वहीं उन काम है वो एक साथ में ख़त्म करते चलूँ, क्योंकि पूरी जुड़ने के बाद जो फोल्डिंग वगैरह काम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमें दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह ही जोड़ना है। सो हम इसको भी इसके एंड से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको भी इसी तरह से सिलाई ले लेंगे। ये हो चुका है। अब इसकी भी हमें फोल्डिंग करनी रह गई है। फोल्डिंग हो चुकी है। अब ऊपर जो एक धागा लगाना है वो मैं लगा देती हूँ, ये इस तरह से। मैं इसके ऊपर भी धागा लगा लेना है। ये इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से जुड़ गया है। अब हमने जो स्लीव्स बनाई है ना, हम वो स्लीव्स लेंगे, और इन स्लीव्स का जो वो मैंने एक्स्ट्रा भाग जिस तरह से जोड़ा था ना, कट करके स्लीव्स का भाग कट करके वापस उन्हीं के साथ जोड़ना होता है, तो उस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये सेंटर वाला भाग जुड़ा है वो, और जो ये बड़ा वाला खड़पा छोटे खड़पे से जुड़ा होता है वो, ये दोनों भाग बीच में रखने बराबर आने चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखिए आप, ये इस तरह से जुड़ेगा इसका ये भाग, और नीचे वाला जो टुक्की का इस तरह का भाग होता है, बिल्कुल एक यू आकार में, हम यू क्या वी आकार में हम कह सकते हैं। और इसको देखिए तो हमें इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ये इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। ये हो गया, यहाँ तक ही लेना है, जहाँ तक टुक्की का एंड पॉइंट है हमें वहाँ तक इसको जोड़ लेना है। ये इस तरह से जुड़ जाएगा। बड़े खड़पे के आधे हिस्से से लेना है, बीच में जो ये सिलाई है ये दोनों बराबर आने चाहिए। अब इसको इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करके जो बड़े वाला खड़पा है इसका जो एंड पॉइंट है ये वाला, इसको हमें यहाँ तक इस तरह से सिल लेना है। देखिए इस तरह से मैं सिल रही हूँ।
पहले सिलाई ले लीजिएगा, फिर आपके हिसाब से जो आपकी साइज़ हो उस हिसाब से, और इसमें अंदर से एक्स्ट्रा धागा लगा के आप अपने साइज़ के हिसाब से इसके अंदर से फोल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको एंड तक जोड़ लेना है। ये हो चुका है, बस ये एंड से एंड तक पॉइंट आ गया और दोनों बराबर हिस्से आ चुके हैं। ये हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये स्लीव्स बन चुकी है। अब हमें इसके जो गले का शेप है वो बन जाएगा और हमें इसके ऊपर सिर्फ मजगी लगानी रहेगी। मैं आपको दूसरी स्लीव्स है वो भी लगा के दिखा रही हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए। ये जो बीच में बड़ा खड़पा और इसका जो गुना लगा है वो, और जो इसका वो मैंने आपको इस तरह से भाग बताया था वो, इन दोनों का जो सिलाई है वो बराबर दोनों के आमने सामने रहनी चाहिए। इस तरह से हम इसको भी उसी तरह से सिल लेंगे। और टुक्की के जो ये कॉर्नर है यहाँ तक ही हमें इसको सिलना है। स्लीव्स तो काफ़ी बड़ी है बट हमें उसकी टुक्की तक ही सिलाई लेनी है, पूरी नहीं लेनी है। हम इसको इस तरह टुक्की तक सिल लेंगे, टुक्की के एंड पॉइंट तक। ये भी हो चुका है। अब हमें इसको भी उल्टा करके फोल्डिंग करनी होगी। ये देखिए इस तरह से आना चाहिए। अब हम इसको उल्टा करके इसको यहाँ से सिलाई ले लेंगे, जिससे ये दोनों जो पार्ट है वो जॉइंट हो जाएंगे और जुड़कर स्लीव्स बन जाएगी। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। ये हमें एंड तक वापस वो दोनों हिस्से बराबर आ चुके हैं, मैं उसी तरह जोड़ लेना है। ये हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोनों जो स्लीव्स हैं वो जुड़ चुकी हैं और जो ये इसका ऊपर का जो सबसे पहला हम ढांचा बोलते हैं वो शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ तक तो फिर भी सिंपल है, अब इसका जो बारीक की काम होता है ना वो बहुत मुश्किल है। मजगी लगाना, इसकी जो पीछे जो डोरियाँ होती है बांधने के लिए वो लगाना, पीछे का भाग कुछ इस तरह का रहेगा, आप देख लीजिए। अब हमें जो इस साइड से मजगी लगानी है, मजगी का प्रोसेस तो वही है, आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे हम लहंगे में मजगी लगाते हैं, कुर्ती में लगाते हैं, उसी तरह हमें काचली में भी मजगी लगानी है। और फिर मजगी लगाने के बाद इसकी उसी तरह फोल्डिंग कर लेनी है और उसी तरह इसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा धागा की हम सिलाई करते हैं हमें वो भी कर लेना है। हमें इस कॉर्नर तक ही सिलाई लेनी है, जो टुक्की के भाग से जो जुड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर जो कॉर्नर होता है हमें वहाँ तक ही सिलाई लेनी है। हम बस इसको यहाँ तक सिलाई लेंगे और ये धागा हम यहाँ से कट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपकी कुर्ती के जो हर कॉर्नर पे अपन जिस तरह से वो एक अलग से शेप देते हैं उसी तरह का हमें इसको भी देना है। यहाँ से हमें डबल कर लेना और तिरछी सिलाई ले लेनी है। तो हम इसकी इस तरह से तिरछी सिलाई ले लेंगे। इस तरह से दोनों को पास में रखना है फोल्ड करके, और फिर इसके हमें इस तरह तिरछी सिलाई ले लेनी है। देख सकते हैं आप इस शेप में आ चुका है ये। अब हमें इसको वापस उसी तरह से पीछे से जो गुणा है उसको प्रेस करना है, मतलब उसको दबा के रखना है, और वापस उसको जो आगे का जो गले का शेप होता है उसके ऊपर मजगी निकालनी है। आप पहले कोई शेप ना दें, बस इसको इस तरह से यहाँ पे जो आगे का शेप है वो हम बाद में देंगे। पहले हमें इसको सीधा एक साइड से मजगी लगा लेनी है। हम इस तरह मजगी लगा लेंगे। मैं इसको भी उसी तरह जो इस साइड दूसरी स्लीव्स का जो ऊपर का कॉर्नर आएगा वहाँ तक इसे लेना है, और फिर वहाँ पे इसको वापस उसी तरह का शेप दे देना है, और जो एंड पॉइंट है वहाँ तक इसको ले लेना है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ये एंड पॉइंट तक हम आ चुके हैं। अब हमको यहाँ से इसे फिक्स किया ना
दोबारा उसी तरह का जो पैटर्न मैंने अभी पहले आपको दिखाया था उसी तरह से हमें इसको भी कर लेना है। इसको इस तरह डबल फोल्डिंग कर लेना है और फिर इसको इस तरह से तिरछा जो सिलाई होती है वो हमें ले लेनी है। हम यहाँ से इस तरह ले लेंगे, ये हो चुका है। अब इसकी भी हमें वापस उसी तरह से वहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेनी है और हम इस तरह एंड तक पूरी मजगी इस तरह ही लग जाएगी। अब हम यहाँ पे इस तरह इसकी मजगी लगा चुके हैं। ये हम स्लीव से बड़े खड़पे तक आ चुके हैं। बड़े खड़पे के जो एंड पॉइंट है मतलब पूरे तरफ हमें चारों तरफ इस तरह की मजगी लगा लेनी है। यहाँ से बराबर नहीं है सो मैं थोड़ा सा बराबर कर रही हूँ। ये मजगी लग चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा मजगी है उसको कट कर लेंगे। अब वापस हमें क्या करना है, इन सब की हमें फोल्डिंग करनी होगी। ये देखिए सिलने के बाद तो इस तरह हुआ लेकिन फोल्डिंग और ऊपर जो सिलाई करते हैं उसके बाद ये अच्छे शेप में आएगी। तो हम पहले इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। आपको इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर जो धागा लगाते हैं आपको वो लगा लेना है। अब ये पूरा हो चुका है। अब हमें इसका जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें इसको वापस बराबर करना है और फोल्ड कर लेना है मतलब डबल कर लेना है। फिर हमें इसकी भी ऊपर की साइड से नीचे की साइड तिरछा जो सिलाई है वो लेनी है। मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तिरछी साइड तिरछी में हम नीचे की साइड में आएंगे ऊपर से। तो इस तरह से हमें इसका भी तिरछी सिलाई ले लेनी है। यहाँ पर आप 2 से 3 बार सिलाई करें जिससे यहाँ पर ये मजबूती से सिलाई हो जाएगी और आसानी से खुलेगी नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ से ये ले चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस शेप में आ जाएगा। अब जो बाहें का जो टुकी का जो एंड पॉइंट होता है कॉर्नर वहाँ से भी हम इसको इसी तरह पकड़ेंगे और इसको भी हम ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आएंगे तिरछा धागा लेते हुए तो मतलब तिरछी सिलाई हम करते हुए नीचे की साइड में आएंगे। इसको भी हमें 2 से 3 बार ऊपर सिलाई कर लेनी है जो मजबूती से सिलाई हो जाएगी। तो हम इस तरह इसको 1 मिनट इस तरह से हमें इसको भी डबल बार सिलाई ले लेनी है। यह हो चुका है। अब हमें जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पर भी इसी तरह बनाना है। यहाँ बन चुका है। अब ये जो एंड है इसको भी इस तरह डबल बना लेना है। इस तरह यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे फिर इसको भी हम ऊपर की साइड से नीचे की तरफ तिरछी सिलाई कर लेंगे। तरह से तिरछी सिलाई ले लेनी है। तीन तीन या 2 बार आप इस तरह से सिलाई लेंगे ताकि मजबूत सिलाई हो जाए। देख सकते हैं कि ये पूरा किस तरह से पूरा गले का शेप आ चुका है। अब हमें यहाँ पे ना बिल्कुल बारीक बारीक से सल भर लेना है। अगर आप हेल्दी हैं तो ना भरें तो भी चलेगा बट अगर आप थोड़े पतले हैं तो इस तरह से आप थोड़ी सी सिलवटें भर लें नीचे और मेरे ख्याल से भरनी चाहिए। इससे ये अपने जो शरीर को एकदम फिट हो जाता है शरीर से एकदम फिट ऐसे अलग से नहीं लगता कि अपन ने कुछ पहना है वो पार्ट के जैसे लगता है। यहाँ पे सिलवटें भरने से ये शरीर से एकदम अटेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी इस तरह हमको इस चारों जो हिस्से हैं उन पे इसी तरह सिलाई ले लेनी है। ये चारों पे मैं ले चुकी हूँ इस तरह हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है इसके जो नीचे है तलपेटी लगानी होती है। यहाँ पे हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे एक की
लंबी सी जो है कपड़ा कट करके उसकी पट्टी लेंगे और उसकी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके ऊपर रख कर हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जो ये कांच लिए ये उल्टी रहेगी, ये सबसे इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। अब सिलने के बाद हम इसको कांचली को सीधा करेंगे और उस पट्टी को हम इस तरह डबल फोल्ड करके लगा लेंगे। डबल बार फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह एंड तक सिलना है। इस तरह डबल फोल्ड करके आपको सिलना है। इस तरह से आपको पूरा सिल लेना है। अब हमें चार इस टाइप की जो है डोरियां बनानी है जो हमें पीछे बैक पे बांधने के लिए काम आएगी। आप दो बड़ी और दो छोटी बनाइएगा। जो दो बड़ी हो उनको आप नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, कांचली को उल्टा करके जो बड़ी वाली जो डोरियां बनी हुई है वो हमें नीचे की साइड में लगा लेनी है। इसको भी हमें 3 से 4 बार सिलाई करनी है ताकि ये जो टूट कर अलग ना हो डोरियां, तो 3 से 4 बार हमें इसको पक्की सिलाई कर लेंगे। उसे मजबूत सिलाई होने से ये आसानी से टूटती नहीं। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। दूसरी को भी इसी तरह हमें नीचे ही लगाना है। बड़ी वाली जो दोनों होती है उनको नीचे, जो दो छोटी वाली होती है उनको हम ऊपर की साइड में लगा लेंगे। अब हम जो दो बड़ी वाली है उनको हम ऊपर की साइड में लगा लेते हैं। इस तरह हम दोनों को लगा लेंगे। ये हम लास्ट है जो मैं लगा रही हूँ, ये बस हो चुका है। आपको 3-3 बार सिलाई ले लेनी है। तो ये पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया हो। बहुत मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।